हरियाणा के कैथल में मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। मंकी पॉक्स नामक बीमारी से निपटने के लिए सिविल अस्पताल में बने पोर्टेबल हॉस्पिटल में 13 बेड अलग से मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर में बना दिए गए हैं। फिलहाल प्रदेश में इस बीमारी का एक भी मरीज सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर व्यवस्था कर दी गई है। इसको लेकर सीएमओ और पीएमओ डॉक्टर रेणु चावला ने सभी मेडिकल ऑफिसर और फिजिशियन के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान सभी को WHO द्वारा मंकी पॉक्स को लेकर जारी की गई गाइडलाइन के बारे में बताया गया। डॉक्टर रेणु चावला ने बताया कि डॉक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि OPD के दौरान मंकी पॉक्स के लक्षणों से संबंधित मरीजों की मॉनिटरिंग की जाए। मंकी पॉक्स को लेते हुए जैसा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों में भी टेरर है, तो हमने पूरे अस्पताल में तैयारी करवा दी है। कोई भी केस अगर अपने अपने वर्कर्स को, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और आशा वर्कर्स वगैरह जो भी हैं, कोई भी केस अगर ऐसा संदिग्ध परिस्थिति में पाया जाता है तो उसको इमिडिएटली देखा जाएगा और उसके टेस्ट करवाए जाएंगे। इसके लिए हमने सिविल हॉस्पिटल में एक अलग से वार्ड डेजिग्नेट कर दिया है कि 13 बेड का वार्ड बना हुआ है जिसमें सारी तैयारी है और इसमें अलग से कुछ नहीं करना है, दवाइयाँ वही हैं, लेकिन हमें उस केस को आइसोलेट करना है ताकि ये फैले मत। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जयपाल रसूलपुर जुड़ चुके हैं। जयपाल, जरा बताएं कि मंकी पॉक्स को लेकर जो है हॉस्पिटल ने क्या कुछ तैयारियां जो है कर ली हैं और स्वास्थ्य विभाग जो है कैसे मुस्तैदी बरत रहा है। बिल्कुल कायनात, मंकी पॉक्स बीमारी के लिए जो है स्वास्थ्य विभाग जो अलर्ट मोड पे है, जिस बीच जो सीएमओ है रेणु चावला, उन्होंने जो अपने अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी मीटिंग ली थी फिलहाल और WHO द्वारा जो एडवाइजरी जारी की है मंकी पॉक्स बीमारी के लिए, उसको लेकर विशेष हिदायतें दी है कि जितनी भी OPD है सभी में जो मरीज आते हैं उनकी अच्छे से जो है जांच की जाए। अगर किसी भी मरीज में जो है मंकी पॉक्स बीमारी के अगर लक्षण मिलते हैं तो उनको आइसोलेशन में जो है उनको रखा जाए। बता दें कैथल के जो हॉस्पिटल है उसमें जो पोर्टेबल हॉस्पिटल के जो 100 बेड है जिनमें जो 13 बेड जो रिजर्व किए गए हैं, अगर किसी भी मरीज में इस तरह के लक्षण जो है पाए जाएंगे तो उसमें जो उसको रखा जाएगा। जी जी चलिए, बहुत शुक्रिया जयपाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो सिविल हॉस्पिटल में एक वार्ड में 13 बेड जो हैं वो अलग से उनकी व्यवस्था की गई है, आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। अगर कभी भी कोई ऐसा संभावित मरीज दिखाई देता है तो तुरंत उस वार्ड में उसे शिफ्ट किया जाएगा। तो मंकी पॉक्स को लेकर पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बढ़ते हैं आगे, जिला कष्ट निवारण समिति